चीन को लेकर भारत के सेनाध्यक्ष ने दो टूक कहा है कि चीन भरोसे लायक नहीं है, लेकिन हम उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। सेनाध्यक्ष ने देश को एलएसी के हालात के बारे में भी बताया। सुनिए चीन को लेकर क्या है भारत की सटीक रणनीति। चीन को लेकर भारत होशियार, चीन की हर हरकत पर पैनी नजर, भरोसे लायक नहीं चीन पर भारत तैयार। ड्रैगन को काबू करना हमें आता है। गलवान से लेकर पूरे लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन चुप बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत सतर्क नहीं है। चीन की हर हरकत पर भारत की नजर है। अपने चप्पे चप्पे पर भारत का सुरक्षा घेरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। चीन की हर हरकत पर हर वक्त जवाब देने के लिए भारत तैयार है। पहले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जुबानी सुनिए, कैसे हम चीन पर अब भरोसा नहीं कर सकते और हम इतने सतर्क हैं कि चीन अब हमें धोखा नहीं दे सकता। राइट, सो आई मीन वी ऑल नो व्हाट द चाइनीज से एंड व्हाट दे डू इज क्वाइट डिफरेंट। सो आई मीन इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द डिसेप्शन और देयर नेचर, देयर कैरेक्टर। राइट, सो वी ओनली व्हाट दे से और व्हाट दे आर्टिकुलेट वी नीड टू जस्ट, बट परहैप्स वी नीड टू फोकस ऑन their actions rather than what is there in their written text or written scripts or their articulation. Perhaps then we'll not go wrong. Thank you very much. सेना प्रमुख ने थिंक टैंक चाणक्य फोरम के चाणक्य संवाद में चीन को लेकर हमारी मजबूत सतर्क रणनीति का खुलासा किया। सेना अध्यक्ष ने साफ कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपनी ताकत नहीं घटाई है और एलएसी पर स्थिति स्थिर है। In a single sentence, if I were to describe, I'll say the situation is stable but unpredictable. But we've also made sure that we have adequate forces, adequate reserves to be able to deal with this contingency. एक से ज्यादा बार चीन ने हमारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन अब ऐसा करने के दिन लद गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।